अरे देखिए हम अमिताभ बच्चन तो है नहीं, हम तो एक छोटे से कलाकार मालिक हैं। कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है। अरे जो है हमारी मीना है, ये भी चांदनी जादूगरनी है और हम राजा हैं और राजा रहेंगे राघोलियों की बोछार से और ना तेदार से। हम तो जादूगर आर के सम्राट है, डरते उस पर दिगार से। भाई अगले साल फेर कराएंगे एक लड़की का और। जी हाँ दर्शकों, आर के सम्राट भी यहाँ पर पहुंचे और चांदनी जी भी यहाँ पर पहुंची है। तो क्या कुछ है यहाँ, युवा मित्र मंडल द्वारा शादी कराई जा रही है, तो पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं हरियाणा की पहली लड़की जो जादूगरनी हूँ और मैं एक समाज सेवा भी करती हूँ। हमारी संस्था है माँ की लाडली सेवा समिति और मैंने फरवरी 11 फरवरी को 11 इकट्ठी लड़कियों की शादी की थी। मैं गांव गांव में जाके प्रोग्राम करती हूँ, वहाँ से जितना भी दान इकट्ठा होता है इन गरीब बेटियों की शादी में दान दिया जाता है। और हम बोलते हैं गांव वालों से, हमें पैसा ना दो, कुछ भी ना दो, जब भी हम लड़कियों की शादी करेंगे इकट्ठा सम्मान करके वहाँ इसका दान दिया जाएगा बेटियों का। तो आपकी भी अलग से संस्था है या युवा मित्र मंडल के साथ आप काम करते हो? जैसे कि युवा मित्र मंडल संस्था है, ऐसे ही हमारी माँ की लाडली सेवा समिति संस्था है। जीन पटियाला चौक में इनका ऑफिस है, टीका राम हाउस के सामने। और हमारे गुरु जी आर के सम्राट जो संस्था के प्रधान है, इनसे बात कीजिए। जी जी, नमस्कार जादूगर जी। नमस्कार जी, आज युवा मित्र मंडल द्वारा जो शादी कराई जा रही है और आप खुद भी आपकी संस्था शादी भी कराते हैं, क्या कहना चाहोगे इस विषय को लेकर? ये बहुत ही नेक कार्य है, बहुत अच्छी युवा मित्र मंडल संस्था है और इस संस्था में आया था और मैंने इसी संस्था से सीख ली थी, क्यों नहीं मैं भी ऐसे ही मतलब कार्यक्रम करूं। मैं गांव में प्रोग्राम करता हूं जादू करके और 11 फरवरी को 2024 में मैंने इकट्ठी 11 कन्याओं की शादी की थी और मैं 2024 दिसंबर में 21 कन्याओं की शादी करूंगा। मेरा गांव है राजपुरा बैंड में, मैं जादूगर का प्रोग्राम करता हूं। जादूगर के प्रोग्राम से मेरे पास लत्ता कपड़ा पैसा आता है, इकट्ठा करके गरीब कन्या की शादी में दान करा चुके हैं सर आप अब तक? वैसे तो मैं 1650 कन्याओं की शादी तो पहले करा चुका हूं और अभी इसी साल में 11 कन्या इकट्ठी की थी और फिर 21 कन्याओं की शादी फिर करेंगे। जो गरीब लड़के लड़कियां शादी के लायक ना मतलब शादी करा नहीं पाते, सक्षम नहीं हो पाते, उनके लिए क्या खास संदेश देना चाहोगे आप? आपकी संस्था से जुड़े किस प्रकार सहयोग करें? हम उनको यह हाथ जोड़कर विनती करता है भाई, जो बेटी है बेटी को बोझ मत समझना, क्योंकि जो आप गरीब परिवार होते हैं, जो मतलब ऐसा एक परिवार होते हैं, उनके लिए ये संस्थाएं बनी है। वह लड़कियां ना लड़का देख रहा है, क्यों हमारे पास नाम पता लिखा है, खाने का और जरूरतमंद सारा सामान दिया जाएगा। जी जी, और साथ में आप अलग अलग तरह के मिमिक्री भी करते हैं, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए भी एक दो कुछ खास निकाल सकते हैं अगर किसी? अरे देखिए हम अमिताभ बच्चन तो है नहीं, हम तो एक छोटे से कलाकार मालिक हैं। कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है। अरे जो है हमारी मीना है, ये भी चांदनी जादूगरनी है और हम राजा हैं और राजा रहेंगे राघोलियों की बोछार से और ना तेदार से। हम तो जादूगर आर के सम्राट है, डरते उस पर दिगार से। जी, असली जादू रियल जादू दिखाते बिल्कुल। जादू के लान में कितना साल हो, कितने एक्सपीरियंस हो चुका आपको? जादू दिखाते मैंने 12 साल हो गए, मैं गांव गांव दिखाता हूँ। आप भी हमारा गांव डिगाना में प्रोग्राम चला हुआ है और उसके बाद मेरा गोसाई खेड़े में प्रोग्राम चलेगा। लगातार प्रोग्राम करते रहेंगे जब तक हमारा जीवन है और सेवा करते रहेंगे जब तक हमारा जीवन है। लास्ट में खास संदेश हमारे दर्शकों के लिए? संदेश है इन संस्थाओं में बढ़ चढ़ कर दान देना, बढ़ चढ़ कर साथ देना, क्योंकि ये संस्थाएं होती है बिल्कुल गरीब कन्याओं की शादी के लिए। और कहीं भी कोई गरीब लड़की शादी हो तो हमारा मोबाइल नंबर 8529275000 नंबर है, 8529275000 87087573575। कहीं भी गरीब बेटे की शादी हो या कोई प्रोग्राम करवाना हो तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट संपर्क जरूर। और देखिए जो हरियाणा चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और पहुंचे हमारी वीडियो उन गरीबों तक हम मदद कर सके। जितने भी आप वीडियो को शेयर करेंगे ये भी एक पुण्य का काम है, लेकिन उन गरीबों तक ये वीडियो जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आर के सम्राट जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर युवा मित्र मंडल जी बैठे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। शुभ नाम जी? हाँ जी, मेरा अरुण कुमार है जी। आप क्या कर कन्यादान लिख रहे हो? कन्यादान लिख रहे हैं जी। कन्यादान लिख रहे हैं यहाँ पर, तो कैसा माहौल लग रहा है यहाँ का? बहुत बढ़िया है जी। और 51 लड़कों की शादी करते हैं हर बार। अच्छा जी। और जितना भी सहयोग आता है सभी शहर वासियों की तरफ से, बाहर से आए हुए
गणमान्य व्यक्ति और हमारे चीफ गेस्ट आते हैं जो बिल्कुल बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। जितना भी है हमें शहरवासियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। अब की बार कितने लड़कियों की शादी? अब की बार 35 लड़कियों की शादी है। हाँ जी बिल्कुल देखिए और यहाँ पर पूरा सहयोग बोल रहे हैं ये। नमस्कार जी। नमस्कार मोहन सिंगला जी। मोहन सिंह हाँ कन्यादान लिख रहे हैं जी। यहाँ पे बहुत बढ़िया उत्साह है जी। आज लोगों का पूरा के नाम है समाज का और पूरे शहर का आज बढ़ चढ़ के भाग लिया है। पहली बार है सर? ये हमारा 7वीं बार है जी। 7वीं बार है? हाँ जी। तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं यहाँ पर लोग? हाँ जी बहुत बढ़ चढ़ कर। आज पूरा शहर मतलब पूरी उमंग से आया हुआ है जी। बहुत बढ़िया मतलब गैदरिंग है और सब ने सहयोग किया है। कैसे मन में आया कि गरीब लड़के लड़कियों की शादी कराई जाए? कई बार जी ये देखा गया है समाज में मतलब जो पैसे की वजह से मतलब गरीब परिवार जो होते हैं उनकी लड़कियां रह जाती थी तो वो मतलब इधर उधर जो मतलब ढूंढते हो लड़के लड़कियां या वो अपनी पसंद के? हम जी परिवार ढूंढते हैं। परिवार जैसे लड़की वाला है वो अपना रिश्ता खुद करता है, उसके बाद हमारे से कॉन्टेक्ट में आता है, फिर हम सारा खर्चा वहन करते हैं। सारा खर्चा आप उठते हो? वहन करते हैं। सस्ता वहन करते हैं। हाँ जी। ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये सभी के समाज। और कुछ कहोगे हमारे दर्शकों के लिए? बस यही है जी, सब ने सहयोग किया है, सभी का धन्यवाद है जी। हाँ जी आपको धन्यवाद करते हैं हम। देखिए कन्यादान लिख रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं क्योंकि लड़कियाँ गरीबी अवस्था में जीती है। लेकिन दुजाणा गाँव से किसकी शादी में आए हो आप? संदीप है लड़का है। लड़का आपके लड़के की है? अच्छा। युवा मित्र मंडल ने ये शादी कराई, कैसा लग रहा आपको? बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कैसा लगा आपका? एक भी एक नंबर फ्री में? ना बिल्कुल बिल्कुल फ्री में इनकी शादी हुई है और बहुत बड़ी बात है। अरे वो देखियो सामने फेरे होने लग रहे हैं। मैं कैमरा मैन दिखाऊंगा, जूम हो जाए तो जूम करके दिखा दिए। और तो साथियों यहाँ पर युवा मित्र मंडल के द्वारा यहाँ पर लड़कियों की शादी आयोजन की जा रही है। यहाँ पर महिलाएं भी पहुंची है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं लड़की की माँ हूँ। लड़की की माँ हूँ? हाँ जी। अच्छा तो कितने खुश हो आज? जमा गणे खुश है भाई, हम तो बड़े खुश हैं। अच्छा, आप क्या लगते हैं? मैं भाभी हूँ जी। आप भाभी हो? हाँ जी। आप भी? मैं सिस्टर हूँ उनकी बड़ी। आप सिस्टर हो? आप? मैं पिता हूँ। ये पिता है, ये माता जी है और ये इनकी भाभी है और ये सिस्टर है। तो आज आपकी लड़की की शादी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी? जमा गणी खुशी हो रही है भाई, अगले साल फिर करेंगे एक लड़की का। और भाई बहुत बढ़िया, युवा मित्र मंडल के सहयोग से ही करोगे? हाँ जी, फिर एक लड़की और हो रही है जी। तो आप कितना योगदान मानते हो युवा मित्र मंडल का? मानना जी बहुत गणा, जमा खुश हो रहे हम तो। जिस दिन की शादी बताई उस दिन अच्छा लड़का मिला है, ऐसा नहीं कि जी जमा जमा सब लड़की दे रखी पहले भी एक और उसका देवर या जी राम कॉलोनी के पड़ोसी। अच्छा, आप राम कॉलोनी जींद से बिलोंग करती हो? अच्छा, और लड़का? नारनौन से। लड़का नारनौन से, मतलब यही ढूंढते हैं लड़के के लिए या आप ढूंढते हो? खुद ढूंढा था जी। आपने ढूंढा? हाँ जी। अच्छा, ये देखिए सहयोग करते हैं, ढूंढा इन्होंने था, रजिस्ट्रेशन करवाया था, फिर शादी हो गई थी आज। बहुत ज्यादा क्योंकि जो शादी में होता ना खाना पीना और डांस वगैरह सब कुछ वही है? हाँ जी सब कुछ। नहीं की सिर्फ परेशानी? नहीं जी कोई परेशानी नहीं जी। और बिल्कुल परिवार वाला माहौल लग रहा है? बढ़िया लग रहा है जी, करती भी बढ़िया लग रहा है जी। क्यों गांव शहर में लड़ाई दंगे हो, यहाँ पर बहुत खुशी हो रही जी मार। जैसे लड़कों की शादी होती है रियल में ऐसा फंक्शन कर गया और बारात की तरह माहौल है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए लोग किस प्रकार से खुशियाँ मना रहे हैं। जितने भी मतलब पहले ये था रांडे है रांडे, लेकिन अब शादी हो रही है और एक साथ 35 लड़के लड़कियों की शादी होना बहुत बड़ी बात है। दूर दूर से आए, कहाँ से आए आप? किसके शादी में आए आप? एक लड़की है चिंटू के शादी में। लड़की के शादी? बिट्टू की शादी में। हाँ। कैसा माहौल लग रहा है यहाँ? बढ़िया भैया, बढ़िया माहौल लग रहा है। बहुत तरीके से शादी कर रखी, बहुत तरीके से की हुई है। आपका कुछ पैसा लगा इसमें? नहीं कोई पैसा। फ्री में हो रही है? बिल्कुल खुश हो? बिल्कुल खुश। गरीब लड़की के लिए इस प्रकार से शादी कराना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहोगे और हमारे दर्शकों के लिए? हम सब प्रोग्राम देख के सब खुश हैं, खुश हैं भैया प्रोग्राम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमें। और ये देखिए क्या नाम है? अंकित। पानीपत से? पानीपत से। पानीपत से किसकी शादी में आए? भाई की शादी है। भाई की शादी है? तो युवा मित्र मंडल ने करा दी शादी? हाँ
खुश हो? खुश है, कोई दिक्कत? व्यवस्था कैसी है? ओके, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है। स्पेशल पानीपत से आया है? हाँ, प्रॉपर पानीपत से। अच्छा, जो कुछ होया करे, मतलब खाना पीना रसम जो सारी है, सारा सौदा है? ओके, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मतलब भाई थोड़ा बहुत काम चलाओ करके है? ना ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं। 35 लड़की सही मिली है? सही, बढ़िया। उधर ढूंढी थी, इन्हें ढूंढी थी, भाई की पसंद की लड़की है? भाई की पसंद की। अच्छा, मतलब कराते ये है? योगा मित्र मंडल में रह जाए तुझे देखा तू ये वर्मा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये कलाकार मुंबई तो लफ्जों में मोहब्बत, हम यहाँ अहम वो तो है, लेकिन खास अहमियत रखते हमारे प्यारे प्यारे हसीन जोड़े, क्या बात। संजय वर्मा जी ने, हेलो, चेक कैश चेक बाउंस चेक रेमर चेक, इस प्रोग्राम को देखते हुए इस प्रोग्राम आने की स्वीकृति दी है। मुंबई से स्पेशल यहाँ पे आए हैं लड़कियों की कन्या की शादी में आशीर्वाद देने के लिए। अब मैं मंच पे माननीय त्रिवार सिंगला जी, हरे किशन सिंगला जी, यश सिंगला जी, और मैं ताली बजाने में आप लोगों के एक दिन में काम है और उसे मैं काम कर लू सीकर नागरे हो। आर्य वर्मा जी का जोड़ लाग लिया और ताम ताली की बजा रही।